Hello students, let's start our exercise 5G. Last video में हमने इस exercise के कुछ questions को देखा था. Hope so आपने वो video देखी होगी और आपको concept भी clear हो गया होगा. आज हम इसके next के जो remaining questions हैं एक बार उनको देख लेते हैं. फिर भी अगर आपको last exercise के कोई भी questions में कोई भी doubt है तो आप comments करके पूछ सकते हैं. मैं उन questions की video बनाकर upload कर दूंगी. हम करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 7th and 8th. फिफ्थ क्वेश्चन, x³ - 8 / x - 2. क्या है इसमें सिर्फ दो टर्म्स है और इसको किससे डिवाइड करना है? टू टर्म से डिवाइड करना है. x - 2 से ही डिवाइड करना है इसको, यानी कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से ही डिवाइड करना है. कैसे करेंगे? जो डिविडेंट है जिसको डिवाइड करना है x³ - 8, उसको ब्रैकेट के ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे और x - 2 डिवाइजर को बाहर लिख लेंगे. फिर क्या सीखा था हमने? जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है x³, उसको साइड पे लिख लेंगे x³ रफ में लिख लेंगे, या फिर डिवाइडेड बाय जो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है उसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे. हमें ये पता है कि ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. इनको डिवाइड करेंगे. अगर बेस सेम है पावर क्या हो जाती है? डिवीजन के केस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है. x³ - 1 कितनी हो गई? x की पावर 2 हो गई, x² रह गया. x² को हमने क्या लिखा? कोशेंट में लिख दिया. कोशेंट में x² को लिखने के बाद हम क्या करेंगे? जो भी कोशेंट आता है डिवाइजर की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. x² को जब x से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा? x³. अब x² को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से. जब x² को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 2x² आ गया. अब यहां तो हमारे पास डिविडेंड में कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो क्या हो? x² जैसी हो. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था जो वेरिएबल्स सेम है यानी कि जो लाइक टर्म्स होती हैं उसके डिनोमिनेटर में उसमें ही लिखेंगे ना हम उसके नीचे. लेकिन यहां x² वाली यहां डिविडेंड में कोई भी टर्म नहीं है तो हम क्या करें? इसको ऐसे थोड़ा साइड पे करके लिख देंगे 2x². साइन चेक करते हैं. x² को x से मल्टीप्लाई किया था, x³ आया. इसके आगे पॉजिटिव साइन प्लस 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 हो गया. अब x² को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 2x² आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया. अब क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं. यस, सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं. प्लस था माइनस और माइनस था प्लस हो गया. कैंसल आउट हो गया. कैंसल आउट क्यों हुआ? सेम टर्म्स हैं, कोफिशिएंट भी 1-1 है. एक के आगे पॉजिटिव साइन है, दूसरे के आगे नेगेटिव साइन है, तो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे? कुछ बच्चों को यहाँ डाउट आ सकता है कि पहले हम 8 को लिखें या पहले हम 2x² को लिखें. तो जो भी एलजेब्राइक एक्सप्रेशन है पावर के हिसाब से लिखना है कि फर्स्ट वाली पावर कौन सी है, डिग्री. जैसे हाईएस्ट पहले लिखनी है तो 2x² यहां किस चीज का हो गया? पॉजिटिव. नेगेटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि हमने इसका क्या कर दिया? साइन चेंज कर दिया. तो पहले क्या लिखा? 2x² लिखा. अब यहां 8 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो कॉन्स्टेंट टर्म है. 2x² के बाद क्या आता है? एक्स वाली टर्म आती है. देखते हैं. अब हमारे पास यहां सिर्फ 2x² बचा. 2x² को न्यूमरेटर में लिख दिया और डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म है वो हमने डिनोमिनेटर में लिख दी. कितना आ गया? 2x^2 - 1, दैट इज 2x^1. 2x^1 आ गया. तो अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में 2x रखेंगे. इस 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x². 2x को जब 2 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 4x. साइन चेंज कर देंगे. अब 4x भी हमने यहां साइड पे रख दिया क्योंकि ऊपर कोई x की टर्म है ही नहीं. इसके आगे पॉजिटिव साइन था, साइन चेंज करके नेगेटिव आ गया. नेगेटिव था तो पॉजिटिव आ गया. ये तो कैंसिल आउट हो गया 2x² - 2x². वैसे भी आप देखो 2 - 2 0 और 0 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे. अरे भाई, 0 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है? 0 आता है. सेम इसी तरह साइन चेंज कर दिया. साइन चेंज करके क्या आ गया? पॉजिटिव साइन. पॉजिटिव साइन तो यहां किस चीज का? 4x आ गया, प्लस का. अब हमारे पास क्या आया? कौन वेरिएबल्स खत्म हो गए. 4x के बाद क्या आएगा? कॉन्स्टेंट टर्म. ऊपर से हमने कॉन्स्टेंट टर्म -8 उतार ली. कई बार क्या होता है, करते करते हम सोचते हैं हमारा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया और हम 4x पे इसको
छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे ऊपर से माइनस एट यहां लिख लेंगे। अब क्या रखेंगे ऊपर, 4x, सॉरी पॉजिटिव का, और डिनोमिनेटर में x रखेंगे, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म 4x^1 - 1, 4x^0, जिसकी भी पावर 0 होती है 1, क्या आ गया आंसर 4। 4 को हमने क्वेश्चन में रखा, इस 4 को डिवाइजर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 टू जा 8। अब 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 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 हो गया। अब यहां माइनस प्लस माइनस माइनस, इसका साइन और इसका साइन देखेंगे, जिसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके आगे प्लस का साइन, इसके आगे माइनस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस लिख दिया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट में हमें पता साइन चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव था नेगेटिव लिख दिया, नेगेटिव था पॉजिटिव लिख दिया, दोनों सेम सेम टर्म्स हैं, प्लस माइनस की हैं, कट होके आंसर कितना आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखते हैं, किसको डिवाइड करना है, 3x² - 7ab + 4b² को डिवाइड करना है बाय a - 2b से, यानी कि हमारे पास ये क्या है, डिविडेंड, इसको यहां रख लिया, किससे डिवाइड करना है, a - 2b, दैट इज ये क्या है हमारे पास, डिवाइजर। क्या करेंगे, सबसे पहले डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को ऊपर रखेंगे और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, कितना आ गया आंसर 3a² - 1, 3a1। ये तो आपको करना आता ही है, अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो ऊपर वाले की पावर पहले आएगी और नीचे वाले की पावर बाद में आएगी, कितना आ गया 3a, हमने यहां क्या लिख दिया 3a, हम कहते हैं कि इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, लिखो या ना लिखो। अब क्या करेंगे, 3a को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को a से मल्टीप्लाई किया, इसका ऑप्शन कितना है 1, 3 1 3, a को a से मल्टीप्लाई किया a² बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, दोनों की पावर 1 1 है, तो कितनी होगी पावर टोटल 2, 3a² 3a को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2b से, 3 2 6, अब a और b तो ऐसा हो नहीं सकता कि a की पावर b आ जाएगी या b a का स्क्वायर आ जाएगा, तो a और b को मल्टीप्लाई किया ab आ गया, साइन चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, प्लस था तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस था तो प्लस साइन आ जाएगा, सेम सेम है, कैंसल आउट हो गया। अब देखो इसके आगे नेगेटिव साइन है, इसके आगे पॉजिटिव साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, 7 - 6 1, यहां 1 ही तो लिखा है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं, जिसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं होता दैट इज 1, और ए बी आ गया, यानी कि 7ab में से 6ab माइनस किया तो ab आ गया, प्लस माइनस माइनस कर दिया, लेकिन साइन किसका, ग्रेटर का, और ग्रेटर डिजिट क्या हमारे पास 7, और 7 का साइन क्या है नेगेटिव, सो वी पुट हियर नेगेटिव साइन। अब हम ऊपर से क्या लिखेंगे 4b², अब फिर से वही हमारे पास प्रोसीजर चलेगा, माइनस ab, साइन ध्यान रखने हैं, माइनस ab को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और a को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, क्या हो जाएगा माइनस b आ जाएगा आंसर, माइनस बी कैसे आएगा, ए की पावर 1 - 1 × b, ए की पावर 0 × b, तो क्या आ जाएगा माइनस बी तो आएगा। अब माइनस बी आ गया, माइनस बी हमने किस में लिखा, क्वेश्चन में लिख दिया, इस माइनस बी को इसकी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई किया a * b ab, प्लस माइनस माइनस बी को 2b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2b से मल्टीप्लाई करेंगे, 2b है ना यहां, तो b को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2b², साइन देखते हैं माइनस माइनस प्लस, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव था सिर्फ नीचे वाले का साइन देखना है, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस का है एक माइनस का, इसके साइन क्या हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस। अब आप ये कहोगे ये भी प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, ये कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन ये तो किया ही, क्योंकि इसके कोफिशियंट्स भी सेम थे और इसके वेरिएबल्स भी सेम थे, लेकिन इसके कोफिशियंट्स डिफरेंट, 4 - 2 = 2, प्लस माइनस माइनस करते हैं, b² इज प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन ग्रेटर डिजिट का, ग्रेटर इज 4 एंड द साइन ऑफ 4 इज पॉजिटिव, तो हमने यहां क्या लिखा, पॉजिटिव साइन ही लिखा, क्योंकि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे क्या साइन होता है, पॉजिटिव का साइन होता है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 2b². अब थोड़े 7th और 8th क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम टू सेम, x^4
प्लस 6x³ प्लस 13x² प्लस 13x प्लस 8, इसको डिवाइड करना है किससे? बाय x² प्लस 3x प्लस 2 से। जो डिविडेंड है जिसको डिवाइड करते हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं अंदर की तरफ, और जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज डिवाइडर वो बाहर की तरफ लिख देते हैं। सिर्फ फर्क क्या है, पहले हमारे पास 2 टर्म्स थी, अब हमारे पास 3 टर्म्स आ गई। सेम का सेम प्रोसीजर है, देखो 3 टर्म्स को हमने बाहर लिख दिया, इसका फर्स्ट लेंगे, जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो लेंगे x^4, इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे x², आंसर कितना आ गया x^2, बिकॉज एक्स की पावर 4-2 इज 2, तो x^2 आ गया। इस x^2 को x² को इसकी तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, x² को x² से मल्टीप्लाई किया x^4, x² को 3x से किया, कितना आ जाएगा 3x³, देखो क्यूब के नीचे क्यूब लिखा है, x² को जब 2 से किया 2x² सब्ट्रैक्ट करना है, तीनों के साइन चेंज कर दिए, प्लस था माइनस और यहां भी प्लस था माइनस कर दिया, जो सेम है उसे कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट हो गया ये तो कट हो गया, प्लस माइनस माइनस कर दिया, साइन किसका ग्रेटर डिजिट का, ग्रेटर इज 6, सो वी पुट हियर पॉजिटिव साइन, 3x³ आ गया। इसमें प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 13-2 इज 11, और साइन प्लस माइनस माइनस साइन किसका देखते हैं, ग्रेटर का, ग्रेटर 13 है, 13 बड़ा है भाई 2 से, तो 13 के आगे पॉजिटिव साइन है, इसके आगे भी पॉजिटिव लिख दिया, और हमने क्या किया 13x को ऊपर से उतार लिया और 8 को भी रख लिया, आपकी मर्जी है, यहां आप 8 उतार भी सकते हो नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में भी उतार सकते हो। अब इसकी फर्स्ट टर्म 3x³ को ऊपर रखेंगे, x² को डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x^3-2 3x^1, यही तो आएगा, तो 3x हमने यहां रख दिया, यानी कि ये क्या लिखा है 3x^1। अब इस 3x को इसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को x² से किया 3x³, 3x से किया 3×3=9, कई बच्चे क्या लिख देते हैं जल्दी जल्दी में 3×3=6 लिख देते हैं, तो ध्यान रखना है 3×3=9, एक्स को एक्स से किया x², 3x को 2 से करेंगे 3×2=6 और x एज इट इज 3x हो गया, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, ये सेम है बिल्कुल, एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर का, ग्रेटर 11 है, 9 स्मॉल है क्योंकि, तो 11 का साइन पॉजिटिव है, इसके आगे पॉजिटिव साइन लगा दिया, 2x², ये भी ऐसे ही है, प्लस माइनस माइनस कर दिया, साइन ग्रेटर का, ग्रेटर इज 13 एंड द साइन ऑफ 13 इज पॉजिटिव, सो वी पुट हियर पॉजिटिव साइन, और हम ऊपर से क्या उतार लेंगे 8। अब क्या करेंगे, इसका क्या है 2x² को न्यूमरेटर में लिखेंगे और x² को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 2 ही तो आएगा, तो आंसर हमने यहाँ क्या लिख लिया क्वेश्चन में 2, प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे और माइनस का आ जाता तो हम माइनस का मेंशन करते हैं, 2 को x² से मल्टीप्लाई किया दैट इज 2x², 2 को 3x से किया 6x, 2 को 2 से किया 4 आ गया, साइंस आर चेंज्ड बिकॉज क्या करना है हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, जल्दी जल्दी में साइन चेंज करना मत भूल जाना, इन क्वेश्चंस में हम इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो सेम होता है वो कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस, पहले तो देखो इसके आगे प्लस का साइन था लेकिन साइन अब किसका आ गया माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 7-6=1 और प्लस का साइन है क्योंकि 7 के आगे पॉजिटिव साइन है और 7 बड़ा है तो इसलिए हमने इसके आगे प्लस का साइन लिख दिया, प्लस माइनस माइनस और साइन देख लेते हैं जो बड़ा है, बड़े का साइन कितना है प्लस, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया प्लस का साइन लिख दिया, कितना इजी था, सिर्फ अगर हमें फर्स्ट स्टेप आ जाता है सेम प्रोसेसर हर बार चलता रहता है, चाहे जितना बड़ा मर्जी क्वेश्चन हमारे पास आ जाए। 8th क्वेश्चन करवा देती हूँ एक बार मैं, x³-7x²y+13xy² + 5y³/x-2y, ये डिविडेंड है ये डिवाइजर है, इसको इससे डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर की तरफ लिख दो, जिससे डिवाइड करना है उसे बाहर की तरफ लिख दो, ये डिवाइजर हो गया, जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आप ऊपर भी लिख सकते हो और यहां साइड पे भी रख सकते हो। अब क्या करना है न्यूमरेटर x³ डिनोमिनेटर x, इसकी फर्स्ट टर्म ऊपर लिखनी है इसकी फर्स्ट टर्म नीचे लिखनी है, डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ जाएगा x² x² को क्वेश्चन में रख दिया, इस x² को डिवाइजर की हर टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, x² को x से किया x³, x² को 2y से किया 2x² y,
प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस आ गया, साइन चेंज कर दो, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो। अब देखो इसके आगे माइनस का साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है, प्लस माइनस, माइनस सेवन माइनस टू इज फाइव एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज, प्लस माइनस माइनस कर दिया, लेकिन साइन ग्रेटर डिजिट का ग्रेटर इज सेवन एंड द साइन ऑफ सेवन इज नेगेटिव, सो वी पुट हियर नेगेटिव साइन, और ऊपर से हमने क्या उतार लिया 13xy2। अब क्या रखेंगे न्यूमरेटर में 5x2y और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे x, इसकी फर्स्ट डिजिट ही रखनी है, फर्स्ट टर्म दोरी माइनस 5x2 माइनस 1y, 2 माइनस 1 कहां से आया, अरे भाई इसकी पावर कितनी थी 2, इसकी कितनी है 1, माइनस 5x रेस टू पावर 1 इंटू y, माइनस 5xy रख लिया, हमें पता है x की पावर कितनी आ रही है 1, लिखो या ना लिखो। अब 5xy को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 5xy कितना बन जाएगा 5x2y, क्योंकि x को x से किया x square हो गया, और 5 अंसा 5 और y as it is, प्लस माइनस माइनस 5xy को 2y से करेंगे, 5 टू जा 10x as it is, और y को y से किया y square आ गया, और कोई टर्म तो है ही नहीं इसलिए हमने कोई और टर्म नहीं लिखी। अब क्या साइन चेंज कर लेंगे, नेगेटिव था पॉजिटिव, पॉजिटिव था नेगेटिव, जो सेम सेम थे बिल्कुल ही, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट जिसमें दोनों में सेम थे कैंसिल आउट हो गए, बिकॉज 5 माइनस 5 इज 0 और 0 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज 0, कैंसिल आउट हो गया ये, तो प्लस माइनस माइनस 13 माइनस 10 इज 3xy2, प्लस माइनस माइनस कर लिया, साइन ग्रेटर का ग्रेटर इज 13 एंड द साइन ऑफ 13 इज पॉजिटिव, इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया प्लस का साइन लगा दिया, ऊपर से हमने क्या उतार लिया 5y3। अब क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में 3xy2, क्योंकि अब हमारे यहां से स्टार्ट हो गया ना ये 3xy2 लिखा, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे x, क्या आ जाएगा 3x1 माइनस 1y2, 3x रेज टू पावर 0y2, 3y2, x रेज टू पावर 0 का क्या बन गया 1, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3, 3y2, 3y2 को हमने क्वेश्चन में लिख दिया, 3y2 को इसके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 3y2, 3xy2, क्योंकि 3y2 x से किया 3xy2, प्लस 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 3y2 को 2y से किया 3 टू जा 6y2 को y से किया y3, और प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन चेंज कर दिए, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 5y3 प्लस 6y3 5 और 6 11 हो गया y3, ये भी प्लस का, प्लस प्लस प्लस, और साइन भी किस चीज का आता है प्लस का, हमने इसके आगे क्या लिखा हुआ है प्लस का साइन, लिखो या ना लिखो वो आपकी मर्जी है। अब आपको सारी की पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी 5G, फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू।